السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم हर तरह की तारीफ़ और हमद व सना अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर के लायक है, जिसका कोई शरीक नहीं, जिसका कोई साझी और हमसर नहीं, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। लाखों दुरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह के आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके प्यारे सहाबा और प्यारे अहले बैत पर। मोहतरम हजरात, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने बेशुमार कौमें पैदा फरमाईं। कुछ कौमें ऐसी भी गुज़री हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की, इताअत की, और अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अपनी बेशुमार नेमतों से उस कौम को नवाज़ा। कुछ कौमें ऐसी भी गुज़री हैं कि जिन्होंने अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ बगावत की और नाफरमानियों, गुनाहों वाली ज़िंदगियां गुजारीं, यहाँ तक के एक वक्त आया कि अल्लाह ताला ने उन कौमों को हलाक कर दिया, जैसे कौम हूद, कौम समूद, कौम नूह वग़ैरह। और इस तरह दो किस्म की कौमें हर वक्त दुनिया में बसी हैं और बस्ती चली आ रही हैं। हम जिस ज़माने, जिस दौर में जी रहे हैं, इस ज़माने में भी दुनिया के अलग अलग इलाक़ों में मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं। कुछ मुवाहिद हैं, मुसलमान हैं, तो कुछ सीधे मुशरिक हैं, और कुछ वो हैं जो अपने आप को अहले किताब कहते हैं, मुवाहिद कहते हैं, लेकिन तौहीद उनके अंदर नहीं है, जैसे यहूद और नसारा। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो कौम सबसे बड़ी फसादी कौम बनकर सामने आ चुकी है, वो कौम कौम यहूद है। और इस कौम की अजीब खासियत ये रही कि जब से ये कौम दुनिया में है, ये बहुत ज़्यादा नहीं रहे या थोड़े ही रहे, लेकिन सारी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा के रहते थे ये लोग।
थोड़े होते थे लेकिन दुनिया में अपने होने का एहसास दिलाते थे, अच्छाइयों के ज़रिए नहीं, अपने जुल्म के ज़रिए, अपने फसाद के ज़रिए, अपनी बगावतों के ज़रिए। इसी वजह से इस कौम का सबसे ज़्यादा ज़िक्र अल्लाह ने क़ुरान में किया, इससे ज़्यादा किसी कौम का ज़िक्र नहीं है, क्योंकि ये कौम ऐसी है कि ये होगी थोड़ी लेकिन इसके इस कौम के अंदर से जो जहर निकलेगा वो बहुत दूर तक मुतासिर करेगा। तो ऐ उम्मते मुस्लिमा और ऐ मुसलमानों, तुम इनके जहर से मुतासिर न होना, इसके लिए हमने इतनी ज़्यादा आयतें इस कौम के बारे में नाजिल कर दी कि इन आयतों को पढ़ो और समझो और इस कौम की मक्कारी को समझो, अय्यारी को समझो और इस कौम की तमाम तर साजिशों से अपने आप को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को महफूज रखो। इस वक्त दुनिया इस कौम को लेकर दो हिस्सों में बटी है, कुछ उसके हक में हैं, उसके साथ खड़े हैं और कुछ उसके खिलाफ हैं। आइए आज हम सिर्फ कुरानी आयात की रोशनी में इस कौम को जानने की कोशिश करें और कुरान से ज़्यादा सच्ची किताब इस रूए ज़मीन पर कोई नहीं, वो अल्लाह का कलाम है और अल्लाह से ज़्यादा सच कोई नहीं बोल सकता। लिहाजा दुनिया की न्यूज़ और ख़बरें जो भी कह रही हों, कुछ देर के लिए उसे एक तरफ रखा जाए और उनकी बात सुनी जाए जिन्होंने ये पूरी कायनात बनाई है, यानी रब्बुल आलमीन। उस अल्लाह ने इस कौम के बारे में कुरान में क्या फरमाया और हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? कुरान करीम की सबसे पहली सूरह सूरह फातिहा, जिसको हम हर नमाज की हर रकात में पढ़ते हैं, जिसकी आखिरी आयत है गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन। तर्जुमा है कि ऐ अल्लाह, हमें उनके रास्ते पर न चलाइए जिन पर आपका गज़ब हुआ और जो गुमराह हो गए। मग़ज़ूब अलैहिम, जिन पर गज़ब नाजिल हुआ आपका। सारी उम्मत के मुफस्सिरीन मुत्तफिक हैं कि मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद हैं यहूदी। हर नमाज में हम इसका जिक्र करते हैं और इनसे बचने की अल्लाह से दुआ मांगते हैं, पनाह मांगते हैं कि ऐ अल्लाह, उनके रास्ते से हमें बचाए रखिए जिन पर आपका गज़ब नाजिल हुआ, यानी यहूदी और बनी इसराइली। तो इस कौम को अल्लाह ताला ने याद ही किया है सूरह फातिहा में मग़ज़ूब अलैहिम के नाम से, जो एक तरह की बददुआ है। मग़ज़ूब अलैहिम, जो अल्लाह के गज़ब की मुस्तहिक कौम, अल्लाह की लानत की मुस्तहिक कौम। उसके बाद है सूरह बकरा। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इस कौम के कुछ वाक़यात बयान किए, जो बयान करना मकसद नहीं है, वक्त नहीं है। वाक़यात बयान करने के बाद अल्लाह ने नतीजा ये निकाला, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादी ज़ालिका फ़हिया कल्हिजारा। अल्लाह फरमा रहे हैं, ऐ यहूदियों, तुम्हारे दिल इतने सख्त हो गए जैसे पत्थर होता है, कल हिजारा। फिर आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, औ अशद्दु कसवा, पत्थर से भी ज़्यादा सख्त। क्यों आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। कुछ पत्थर ऐसे भी हैं इस रूए ज़मीन पर जिनसे चश्मे फूटते हैं, यानी उसमें से भी कुछ खैर निकल जाता है। وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ। और कुछ पत्थर ऐसे भी हैं जो शक होते हैं और उसमें से पानी जारी होता है। وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ। और कुछ पत्थर ऐसे भी हैं जो अल्लाह के खौफ और खशियत से नीचे की तरफ ढलक जाते हैं। यानी पत्थरों में भी कहीं ना कहीं कुछ खैर है, लेकिन यहूदियों के दिलों में खैर नाम की कोई चीज़ नहीं। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहे हैं, रब्बुल आलमीन। अब इससे ज़्यादा मजबूत बात कहीं नहीं जा सकती। ये जो हम देख रहे हैं मंज़र, बच्चे यतीम हो रहे हैं, भाई भाई के सामने दम तोड़ रहा है,
इंसानियत बिलक रही है, कराह रही है, लेकिन वहां कुछ असर नहीं है। क्यों? दिल पत्थर है। ये कौम वो है, व यक्तुलून अल अंबिया, जिन्होंने नबियों का कत्ल किया है। तो ये आम इंसानों का इनके पास क्या है एहतराम और क्या है उनका इकराम। तो ये अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम्हारे दिल ऐ बनी इसराइलियों और ऐ यहूदियों इतने सख्त हो गए। अल्लाह ने भी फैसला किया, बल तब अल्लाहु अलैहा, उन पत्थर दिलों पर अल्लाह ने भी मोहर लगा दी हमेशा के लिए। अब ये कभी ईमान लाने वाले नहीं है, ये कभी हिदायत की तरफ आने वाले नहीं हैं। ये जैसे बदतर हैं उसी तरह बदतर जिएंगे और बदतर होके मरेंगे, और उसी बदतरीन हालत में कल मैदान आखिरत में उठाए जाएंगे। आगे अल्लाह ने इनकी पत्थर दिली का वाकया जिक्र करते हुए फरमाया, सूरह बकरा में भी, सूरह आराफ में भी, सूरह ताहा में भी, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कौम को बचाया था फिरौन से। फिरौन बदतरीन जुल्म कर रहा था। हम ये भी समझते चले यहां पर कि आखिर फिरौन के दिल में क्यों आया इस पर जुल्म करना, क्यों इस कौम को गुलाम बनाया और इनके मर्दों और मुजक्करों को ज़बह किया और औरतों को जिंदा छोड़ा, क्या वजह थी। हम पढ़े तारीख और कुरानी आयात की तफसीर। ये कौम रहने वाली थी कनान की, लेकिन इस कौम में पैदा हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इंतहाई मुत्तकी पाकबाज बाहया नबी, और ये बनाए गए मिस्र के बादशाह। मिस्र वालों ने इनको अपने पलकों पे बिठाया और वो उस लायक भी थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह बनने के बाद अपनी पूरी कौम को कनान से मिस्र बुलाया और सारे मिस्र वालों ने पूरे ख़ानदान का एहतराम किया, इकराम किया, और मेहमान की हैसियत से उनका इस्तकबाल किया और रहने की पूरी इजाज़त दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजर गए और एक लंबा वक्त गुजरा, तो जो इस कौम की फितरत है, जो आदत है, जो जिस फितरत को वो फ़लस्तीन की सरज़मीन पे दोहरा रहे हैं कि फ़लस्तीनियों ने उनका इकराम किया था, एहतराम किया था, मेहमान की हैसियत से कभी उनका इस्तकबाल करते थे। जब वो दुनिया के अलग अलग इलाकों में थे, फैले हुए मुंतशिर, वो अपने नबियों की कब्रों की ज़्यारत के लिए आते थे, आसार की ज़्यारत के लिए आते थे, मेहमान के तौर पे उनका इस्तकबाल करते थे फ़लस्तीनी। लेकिन नतीजा क्या है आज देख लें, उनके सरों पर बैठे हैं और उन्हीं को कह रहे हैं खाली करो और निकलो यहाँ से। ये हालत हो रही थी मिस्र के अंदर। ये कौम जहाँ रही है इसी तरह रही है। मिस्रियों पर जुल्म, और आए थे, सबसे बड़ी बात, आए थे किसके इज्जत और एहतराम और किसके नाम पर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। आगे चलकर इन लोगों ने क्या बदला दिया। आज भी अकीदा है यहूदियों का, उनकी किताब में लिखा है कि नऊज़ु बिल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बदकारी सादिर हो गई थी, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। जबकि पूरा सूरह यूसुफ गवाही दे रहा है कि मिस्र की वो औरत ज़ुलैखा ने अपनी पूरी कोशिश की दामन को दागदार करने की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम साफ तौर पे बचे अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बाहया थे और बाहया रहेंगे कल का कल रोज़े क़यामत। यह हमारा अकीदा है। सूरह यूसुफ पूरी गवाही दे रहा है, लेकिन ये बदतमीज अपने मोहसिन के एहसान को भूल गए और आगे चलकर उनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह ने उस कौम के लिए फिरौन को पैदा किया। फिरौन ज़ाती एतबार से कैसा था उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब जालिम पैदा होते हैं तो ये अल्लाह की लाठी होते हैं। अल्लाह जालिमों के जरिए मारते हैं उन लोगों को जो बगावतें करते हैं अल्लाह के खिलाफ। तो ये फिरौन, ये अल्लाह की एक लाठी थी जिसके ज़रिए बदतरीन सजा दी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को और यहूदियों को। ग़ुलाम बनाया, ज़बह किया उनके लड़कों को, और न जाने कितनी अज़ियतें और तकलीफ़ें पहुँचाईं। आखिर में फिर अल्लाह ने एहसान किया कि फिरौन से नजात दिलाई मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले हैं पूरी कौम बनी इसराइल को लेकर, और सारा मंजर बनी इसराइल ने अपनी आंखों से देखा है कि वो दरियाए कुलजूम में रास्ता बना, जो कि होता नहीं है। ये बहुत बड़ा मौजिज़ा था, अपनी आंखों से देखा, फिरौन को डूबते हुए देखा, सब कुछ देखा उन्होंने।
उसके बाद सूरह आराफ पारे 9 में अल्लाह फरमा रहे हैं, वजा वजना भी बनी इसराइल अल बहर, हमने बनी इसराइल को वो समंदर पार करा दिया अपनी अपने रहमत और अपने एहसान से। फअतौ अला कौमी याकुफून अला असनामिल लहुम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अभी गुज़र रहे हैं लेकर कौम को, अभी किसी मकाम पे ठहरे नहीं, एक ऐसी कौम से गुज़र हुआ जो कौम मुशरिक थी, बुतपरस्त थी, अपने हाथों से बनाए हुए बुतों के सामने सजदे कर रहे थे। याकुफून अला असनामिल लहुम, बनी इसराइलियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, कालू या मूसा जअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम एक माबूद हमारे लिए भी बना दीजिए जैसा इन लोगों ने बना लिया है। कोई अहमियत ही नहीं है तौहीद की उनके पास, कोई कदर ही नहीं है अल्लाह तबारक तआला के इतने बड़े मोजिज़े की, इतने बड़े एहसान की। होना यह चाहिए था कि वो फौरन जाते और उस कौम को मना करते और कहते कि नहीं, ये खुदा नहीं है, अल्लाह एक है, उसने हमको बचाया है दरिया कुलजूम में, आओ ये मौजिज़ा देखो, तुम भी ईमान लाओ, ये होना चाहिए था। उल्टा मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, एक माबूद हमें भी बना के दे दीजिए। قال انكم قوم تجهلون, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अजीब जाहिल कौम हो तुम लोग, बदतरीन कौम हो तुम लोग, जरा सा भी दिलो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते तौहीद के बारे में और शिर्क के बारे में। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म आया अल्लाह तबारक तआला की तरफ से 40 दिन के लिए पहाड़े तूर पे तशरीफ लाने का, तौरात अता करना था। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम के दरमियान अपना खलीफा बनाया हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को, वो भी अल्लाह के नबी। और बड़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खदशे में रहते थे, अंदेशों में रहते थे ये कौम को लेकर, और कई मरतबा दुआ भी मांगी थी अल्लाह से कि अल्लाह इस कौम से मेरी ज़िम्मेदारी हटा दीजिए, किसी और कौम तक मेरी ज़िम्मेदारी लगा दीजिए, ये कौम बड़ी एहसान फरामोश कौम है, आज एहसान करो कल भूल जाने वाली कौम है ये, आज तौहीद की दौलत से इन्हें नवाजो कल ये शिर्क में मुबतला हो जाएगी, इससे कोई उम्मीद नहीं। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाकर पहाड़े तूर पे तशरीफ़ ले गए। सिर्फ 40 दिन का वक्फा, 40 दिनों के अंदर इन लोगों ने एक बछड़ा बनाया, और उस बछड़े में एक जादूगर था उनके दरमियान, सामरी नाम का, उसने अपने जादू के ज़रिए उस बछड़े में से आवाज़ निकाली, जो कुरान में अल्लाह ने पूरा कहा ये लहू खुवार, जैसे गाय की और बछड़े की आवाज़ होती है वैसी आवाज़ आ रही थी उसके अंदर से। बस इतना देखना था कि सारे के सारे बनी इसराइली उस पर सजदे के तौर पे गिर गए कि यही हमारा माबूद है, नऊज़ु बिल्ला। बस चंद लोग बचे थे, अक्सरियत जो है शिर्क में मुबतला हो गई। अल्लाह के नबी मौजूद है वहाँ पर, क्या उन्होंने समझाया? नहीं होगा, बे इंतहा समझाया, उनके सर के बाल और उनकी ठुड्डियाँ पकड़ पकड़ के समझाया कि ये गलत है जो तुम कर रहे हो, इतनी मेहनत की है मेरे भाई मूसा अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे ताल्लुक से, और तुमने सब पर पानी फेर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़े तूर से तशरीफ़ लाए शदीद गुस्से में और अफसोस में, अल्लाह तबारक तआला की तरफ से हुक्म आया, जितने बराह रास्त शिर्क में मुबतला हैं सबको कत्ल किया जाए। फ़क्तुलू अनफुसकुम, यही इनकी तौबा है, इससे कम पर कोई तौबा काबिल कबूल नहीं होगी। तो ये हरकतें हैं कौम बनी इसराइल की, के नबी मौजूद हैं एक, और एक नबी गए हैं पहाड़े तूर पे सिर्फ 40 दिनों के लिए, और कौम ने दोनों नबियों की तमाम तालीमात को भुला दिया और उनके खिलाफ बगावत पर उतर गई ये कौम। तो जो कौम नबियों की नहीं सुनती, रसूलों की नहीं सुनती, क्या वो हमारी और आपकी सुनेगी? बहुत हल्के अंदाज में जो है उसको थपकी दी जा रही है कि ऐसा ना करो, नाजायज़ कब्ज़े ना करो फ़लस्तीनी इलाकों में, वो सुन लेगी कौम? कुरान तो कह रहा है कि ऐसी चीखते रह जाओगे, नहीं सुनेगी। उसके लिए तो वो होगा जो तारीख के औराक में लिखा है, कि पहले हम थोड़ी सी और इनकी तफसील बयान कर दें कि इनकी जिहालत और बदबख्ती कितनी है। सूरह आराफ और पारे 6 की पहले दूसरे रुकू में अल्लाह ताला ने बयान किया कि ये कौम इतनी बदतरीन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेकर आए और उन्हें बताया कि ये अल्लाह ने अता की है तौरात, ये पढ़ो, ये किताब हिदायत है। कहने लगे, अरिनल्लाह जहरतन, हमें यकीन नहीं है कि अल्लाह ने ये किताब दी, आपने लिखे लाई होगी, हम चाहते हैं कि अल्लाह को देखें तुम्हें देते हुए ये किताब पहाड़े तूर पे।
यानी बिल्कुल अल्लाह को नऊज़ु बिल्लाह इस दुनिया की आंखों से हम देखना चाह रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया लेकिन समझने वाली नहीं है कौम। आखिर में उनमें से 70 लोगों को चुना और चुन के लेके गए कि चलो मेरे साथ पहाड़े तूर पे, अल्लाह का जो फैसला हो वो मानेंगे। अल्लाह फरमा रहे हैं फअखज़तहुमुस सा'इक़तु बिज़ुल्मिहिम, एक बिजली आई आसमान से और उन पर गिरी और सब के सब तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, हलाक हो गए। वो 70 के 70 मर गए, ख़त्म हो गए, सिवाय मूसा अलैहिस्सलाम के वो बहिफाजत वापस आए। तो ये है ये कौम। उसके बाद इतना ही नहीं, इतना तो मान लिया कौम वालों ने कि चलो ठीक है अल्लाह ने अता की है ये किताब, हम मानते हैं, लेकिन ये किताब बड़ी सख्त है, इस पर अमल करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, बड़ी सख्तियाँ हैं और अल्लाह ने सख्त अहकाम दिए भी थे उसके अंदर, क्योंकि ये कौम बड़ी बदबख्त और बड़ी गुस्ताख किस्म की कौम थी। तो जैसी कौम थी अल्लाह के अहकाम भी उतने सख्त थे। अब उसके मानने से इनकार कि इतनी सख्ती हमें कबूल नहीं है, अहकामात में तब्दीली की जाए, किताब में तब्दीली की जाए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कुछ लोगों को लेकर गए पहाड़े तूर के पास। अब अल्लाह ने जो काम किया, वरफअना फौकुमुत्तूर, सूरह बकरा में अल्लाह ने दो जगह फरमाया हमने पूरे पहाड़े तूर को जमीन से उठा के उनके ऊपर लटका दिया कि ये किताब लेते हो, इस पर अमल करते हो या पूरा पहाड़ तुम्हारे ऊपर छोड़ दूं, तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी, मसल दिए जाओगे, अंदर हलाक हो जाओगे। चुनांचे सारे के सारे बनी इसराइली सजदे में गिर गए अपने ऊपर पहाड़े तूर को लटका हुआ देखकर, और कहने लगे कि हम मानते हैं, हम इकरार करते हैं। फिर पहाड़े तूर को उठा के उसके मकाम पे अल्लाह ने रख दिया। ये हुआ है, ये कुरान करीम में है। आज बड़े शान से कहते हैं तूर हमारा है, तूर हमारा मुकद्दस मकाम है। ये नहीं कहते कि यही तूर कभी इनके ऊपर उठा के लटका दिया गया था इनकी हरकतों की वजह से। अल्लाह फरमा रहे इकरार तो किया इन लोगों ने लेकिन ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रहे। सुम्मत वल्लैतुम तुम मिम्बादी दालिक, फिर उसके बाद ये लोग एहरास करने लगे। और एक वक्त तो ऐसा आया कि तौरात को इन्होंने मजाक बना लिया, जब जो आयत चाही बदल दी, जब जो अहकाम चाहा अपनी मर्जी से बदल दिया, एक खिलवाड़ और खिलौना बना दिया इन लोगों ने। जगह जगह और वक्फे वक्फे से अल्लाह ने इन पर अलग अलग किस्म का अजाब नाजिल किया, लेकिन कम से कम 3 अजाब का यहाँ जिक्र किया जा सकता है। 3 जालिमों के जरिए अल्लाह ने इस कौम को बदतरीन तरीके से मारा। सबसे पहला तो फिरौन, जिसके जरिए बदतरीन तरीके से अल्लाह ने इस कौम को इसका दिमाग दुरुस्त किया, और जितना ये मिस्र वालों को परेशान कर रहे थे उतना ही ज़्यादा उनको जलील और रुसवाई के साथ मिस्र में ज़िंदगी गुजारनी पड़ी ग़ुलाम बनकर। तो सबसे पहले इनको मारा है फिरौन ने, दूसरी मरतबा बदतरीन तरीके से मारा है तो बुख्तनस्सर नामी बादशाह ने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल पहले, जिसका जिक्र सूरह बनी इसराइल के पहले रुकू में है इशारतन। बुख्तनस्सर ये रोम का बादशाह था, ये पहले से ही बहुत मुतनफ़िर था यहूदियों से, उनके चाल चलन से और उनके जो मिजाज है बदअखलाकी वाला, आहद तोड़ने वाला। एक दिन बुख्तनस्सर नामी बादशाह, किताबों में लिखा है, अपना भेष बदल कर फ़लस्तीन गया जहाँ ये लोग आबाद थे, और वहाँ जाकर इनके दरमियान रहा कुछ दिनों तक। उसके बाद वो आकर रोम में उसने ये नतीजा निकाला कि ये इतनी बदतर कौम है, न अपने खुदा की है न हमारी है, ये अपनी शरीयत को खिलवाड़ बनाई हुई है, अपने खुदा की नहीं मानते ये लोग। हजरत योशा बिन नून अलैहिस्सलाम के जरिए मिस्र में दाखिल हुए थे ये लोग, इससे पहले जुमा इसकी सारी तफसील आ चुकी है, पनाह गुजी की हैसियत से आए थे, लेकिन आकर वही हरकत करने लगे थे जो इस वक्त कर रहे हैं, वहाँ के असल बाशिंदगान को परेशान करना और वहाँ पर फितना फसाद का माहौल बनाना, जिसकी वजह से बुख्तनस्सर नामी बादशाह ने खुद सफ़र किया रोम से फ़लस्तीन का, उसकी हकीकत मालूम करने के लिए, और इस नतीजे पर पहुँचा कि ये कौम एक कैंसर की तरह है, इसे मार के ख़त्म कर दिया जाए, ये जहाँ रहेगी वहाँ बीमारी फैलाएगी, जहर फैलाएगी। चुनांचे उसने अपनी पूरी फौज को रवाना किया और बदतरीन कत्ले आम हुआ है फ़लस्तीन की सरजमीन में यहूदियों का और इसराइलियों का। पूरी मस्जिद अक्सा खून से लहूलहान थी बिल्कुल, और वहाँ की ज़मीन खून से रंगीन हो गई थी। बदतरीन मारा है इनको। क्यों? फिरौन ने भी बुख्तनस्सर ने भी इस कौम की नब्ज़ को पहचान लिया था, ये कितनी बदतरीन है ये कौम। उसके बाद तीसरी मरतबा हिटलर ने मारा है इस कौम को। ये दूसरी जंग अजीम की जो वजह बनी है वो यही यहूदी कौम, बदतरीन तरीके से मारा, क्योंकि उसने भी पहचान लिया था, वो खुद कैसा था हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक दुनियावी एतबार से उसने पहचान लिया था ये कौम जहाँ रहेगी ये फितना फसाद फैलाएगी।
ये जहर फैलाएगी, लिहाजा इस कौम का खात्मा ही जरूरी है, लिहाजा बदतरीन तरीके से मारा। तो ये तीन बादशाहों से ये बदतरीन तरीके से मारे गए हैं, उसके बाद मुट्ठी भर ये बचे और फिर एक साजिश के तहत इन्हें लाकर फलस्तीन की सरजमीन में आबाद किया गया और आज फिर वही हरकतें हो रही हैं। मगर अफसोस के आज कोई ऐसा चौथा बादशाह नहीं है जो उन्हें सबक सिखाए। जो लोग खड़े हैं उस कौम के साथ या उसके हक में हैं, या तो उससे डरे हुए हैं या तारीख से नावाकिफ हैं। अक्सरियत वो है जो डरे हुए हैं, खामखा की दहशत दिल में बिठाए हुए हैं कि ये खुदा है, ये कुछ भी कर सकता है। और कुछ वो हैं जो तारीख से नावाकिफ हैं, जो तारीख से वाकिफ होंगे चाहे वो खुद कितने बुरे होंगे लेकिन इनको कभी भी कबूल नहीं करेंगे। न फिरौन ने कबूल किया, न बुख्तनसर ने, न हिटलर ने, न और आने वाले वहां के बादशाहों ने, कोई कबूल नहीं कर सकता इस कौम को। यह बदतरीन कौम है, ये अपने मोहसिनों के एहसान को भूल जाने वाली है, ये अपने बड़ों पर खुद इल्जाम लगाने वाली ये कौम है। लिहाजा इस कौम ने जो माहौल बनाया इस वक्त वहां पर, और ये कौम सच बात ये है जिंदगी की बड़ी लालची, बहुत हरीस। वलतजिदन्नहुम अहरसन्नास अला हया, अल्लाह फरमा रहे जिंदगी के बहुत लालची हैं ये लोग। और ये हकीकत की बात बताने में कोई हर्ज की बात नहीं है, ये जो हो रहा है ये सिर्फ उन लोगों पर जुल्म हो रहा है जो मासूम बच्चे हैं, ख्वातीन हैं, और जो अपनी जिंदगियों में मसरूफ हैं उनको मारा जा रहा है, जो बिल्कुल बेकसूर हैं, निहत्ते हैं, और जिनसे असल मुकाबला करना है उससे डर खाए हुए हैं, खौफ खाए हुए हैं। जरूरी नहीं है हर बात आपको मीडिया वाले बता दें और आपको यकीन हो ही जाए, ये एक हकीकत बात है। वहां का सदर फौजियों के दरमियान जाता है उनको हौसला देने के लिए कि उठो और जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। इतने नारे लगते हैं सदर के खिलाफ कि उसको बगैर तकरीर किए हुए वापस भागना पड़ता है। ये अंदर की खबर है। डरे हुए हैं वो लोग, अपनी जिंदगी है उनको बहुत हरीस है। कुरान झूठ नहीं बोल सकता, अल्लाह के कलाम में कोई झूठ नहीं है। वो दो चार मरेंगे सब के सब मैदान छोड़ के भागेंगे, लेकिन दुनिया में अपनी साख बताने के लिए मासूमों पर जुल्म कर रहा है, दवाखानों पे जो है हमले हो रहे हैं, जहां मरीज हैं, जहां डॉक्टर हैं, जहां मासूम और बेगुनाह लोग हैं उनको मारा जा रहा है। ये सिर्फ अपनी हैबत बताने के लिए, अपनी दहशत बरकरार रखने के लिए दुनिया में, वरना हकीकत ये है कि अंदर से वो सबसे ज्यादा खौफ खाए हुए हैं और दहशत में है वो लोग। इसलिए जरूरत इस बात की है, पहले तो हम ये बात कह दें कि सब मुजरिम है इस वक्त, जितने उमरा हैं, सलातीन हैं अरब मुल्कों के, वो सब भी, और कहीं ना कहीं हम भी मुजरिम हैं। दुनिया वालों ने ऐसा कानून बना दिया कि उम्मत के एक हिस्से पे कितना भी जुल्म हो दूसरा हिस्सा उनकी मदद के लिए नहीं पहुंच सकता। सारे कवानीन पर ईमान ले आए हैं हमारे उमरा और सलातीन, नतीजा ये है कि अपने अपने कमरों में बैठ के खाली मजम्मत कर रहे हैं और वो बेचारे बेगुनाह शहीद हो रहे हैं, बेगुनाह जख्मी हो रहे हैं और बेघर हो रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। इसलिए वो भी मुजरिम है, कहीं ना कहीं हम भी मुजरिम हैं, हम इससे बचा नहीं सकते अपने आप को। लिहाजा कम से कम हमारी जिम्मेदारियों में से दो जिम्मेदारी तो बनती है, अल्लाह का दरवाजा खटखटाएं। हम मजबूर हैं अपने उमरा और सलातीन की वजह से, उनके बनाए हुए कवानीन और उस पर रजामंदी की वजह से हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते दूर बैठे, लेकिन अल्लाह का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो सुबह शाम दुआएं करें उनके लिए, कुनूत नाजिला का एहतमाम करें। और दूसरा ये कि उनकी जो चीजें हम तक पहुंच रही हैं, उनकी मसनूआत, उनकी बनाई हुई चीजें, चाहे खाने की हो, पीने की हो, बरतने की हो, जितना हो सके उससे दूरी इख्तियार करें, क्योंकि वो तो हम तक नहीं पहुंचते लेकिन अपनी चीजें पहुंचाकर हमारी जेब से पैसे लेकर वो हमारे भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दूर बैठे कम से कम हम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि उनकी मसनूआत का बायकॉट करें। उनकी मसनूआत में से एक भी ऐसी नहीं है कि अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, एक भी नहीं है ऐसी। अक्सर वो है जो ख्वाहिशात वाली है, जरूरियात वाली बहुत कम है। हम अपनी ख्वाहिशात को दबाएं और उसके बिलमुकाबिल हमारे मुल्क में वो चीज अगर बनती है उसके मुतबादिल तो वो इस्तेमाल करें, लेकिन इजरायली जो मसनूआत है जितना हो सके खुद भी और अपने आसपास वालों को भी उससे बचाने की, रोकने की कोशिश करें। कोई अगर ये कहता है कि इससे क्या होगा, बहुत कुछ होगा, बस हल्का सा बाइकाट हुआ है बाज़ अरब ममालिक में, बहुत बड़ा जो है उनका फिगर नीचे गिरा है और बौखलाहट का शिकार है माशी एतवार से वो, और ऑफर देकर जो है उसको फिर से बाजार में ऊंचा अपना फिगर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये हल्के से बाइकाट का नतीजा है। अगर सारी उम्मत मुस्लिमा आज बाइकाट कर दे, आज वो सरनिगुं हो जाएगा।
तो इसलिए इससे होगा क्या, बहुत कुछ होगा, लेकिन शर्त यह है कि हम पहले तैयार हों। तो कुनूत नाजिला का अहतमाम हो और इसराइली मसनूआत का बायकाट किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को उनके हक में जो ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद हो सकता है वो आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, और उन तमाम मासूमों को उस जालिम के चुंगल से हमेशा के लिए आज़ाद फरमाए, और सरजमीन फ़लस्तीन को हमेशा हमेश के लिए इसराइल के नापाक कब्ज़े से आज़ाद फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।